GOC 4 Corps Lieutenant General Manoj Pandey, who was present at the arms laying down ceremony, assured that the army will provide a full assistance to the government in terms of rehabilitating the ex-rebels. जहाँ तक हमारे इंडियन आर्मी या फौज का सवाल है, जो भी कदम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और उसमें आपके पुनर्वास और रिहैबिलिटेशन के लिए जो भी हम इंडियन आर्मी की तरफ से कर पाएंगे, मैं ऑनरेबल सीएम को और बाकी आप सबको ये यकीन और भरोसा दिलाऊंगा, आश्वासन देता हूं कि जो भी हमारी तरफ से हो सकेगा हम इसमें हम सहभागी रहेंगे और पूरा पूरा हाथ मिटाएंगे. Lieutenant General Manoj Pandey also lauded the state government's role as well as the efforts of the unified command. इस पूरी प्रक्रिया में यूनिफाइड कमांड मैकेनिज्म जो असम में कार्यरत है, उनके सभी अंगों का, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का उतना ही सहयोग रहा है, इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है. मैं इन सबको आर्मी की तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ में असम के मुख्यमंत्री जिनके गाइडेंस या लीडरशिप में यह पूरी प्रक्रिया पूरी हुई है, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं. And he further said the youths had taken the right step by choosing the path of peace and returning to the mainstream. आज ये ऐतिहासिक दिन है जिस दिन इतनी ज्यादा तादाद में हमारे नौजवानों ने अपना हथियार समर्पण करने का निश्चय लिया है और साथ ही में शांति प्रक्रिया में शामिल होकर हमारी मुख्य धारा में शामिल होने का डिसीजन लिया है. मैं इन सभी नौजवान भाइयों को और उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामना और इस डिसीजन के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ.